यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जातिगत कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग राष्ट्रवाद यहाँ पर अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया। लेकिन एक और दिलचस्प आंकड़ा यहाँ कंप्यूटर बाबा के पास है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर इस आंकड़े से ये पता चलता है कि प्रचार के दौरान किस तरह से नरेंद्र मोदी की रैलियों ने उन इलाकों में सीटों का गणित बदल दिया और रैलियों का असर यहाँ पर हम दिखाते हैं। सबसे पहला जो आंकड़ा यहाँ पर खुल के आ रहा है, देखिए 145 जगह पर रैलियां की जिसमें 114 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी आगे चल रही है स्ट्राइक रेट 79% का, हालांकि 31 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी पीछे चल रही है बीजेपी और यहाँ पर हार का स्ट्राइक रेट 21% है जो कि अपने आप में काफी कम है। और यहीं पर अगर जो इनके विरोधी हैं सीधे सीधे देखिए राहुल गांधी का अगर हम देख लें, हालांकि वो अमेठी से पीछे चल रहे थे, 115 रैलियां की जिसमें सिर्फ 21 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और 94 सीटें ऐसी हैं जिस पर पीछे चल रही है या फिर हार का ये सबब यहां पर मिल सकता है। प्रियंका गांधी जिन्हें एक्स फैक्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, अगर उनकी रैलियों की आप संख्या देखें 38 रैलियां प्रियंका गांधी ने यहां पर की लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत रही हैं या फिर आगे बढ़ रही हैं जबकि हार और पीछे जो सीटें हैं वहां पर 36% का हिसाब है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी यहां पर मैं नरेंद्र मोदी की रैलियों को स्क्रीन पर आपको दिखाऊं, 145 जगह रैलियां और 114 पर आगे चल रहे हैं। अब देखिए जब रैलियां प्लान हुई थी तो बीजेपी की इंटरनल कमेटी का भी प्रयास ये था कि उत्तर प्रदेश से तो ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा रैलियां जहां पर हुई वो पश्चिम बंगाल 42 सीटें क्योंकि दाव पर थी और उसके बाद उड़ीसा जहां पर 21 सीटें दाव पर थी और बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि यहां पर सेंध की लगाई जाए और यहां पर ज्यादा सीटें हासिल हो। और ऐसे में श्वेता बहुत अहम ये सवाल हो जाता है कि निर्विवाद रूप से नरेंद्र मोदी न सिर्फ बीजेपी में बल्कि एनडीए में भी एक बहुत बड़ा कद हासिल कर चुके हैं जिसमें उनके आगे कोई विकल्प दिखाई नहीं देता।